नतीजे आकाश पर मायावती का एक्शन, पार्टी और प्रॉपर्टी में आकाश को नहीं जगह। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के चंद घंटे बाद ही मायावती ने ऐलान कर पार्टी कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया। मायावती ने कल देर रात अपने ट्वीट में लिखा, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि मायावती ने ऐसे वक्त पर यह कदम क्यों उठाया जब लोकसभा चुनाव के चार चरण बाकी हैं, वो भी पार्टी के स्टार प्रचारक आकाश आनंद के खिलाफ, जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपनी रैलियों से बीएसपी के मतदाताओं में काफी चर्चा बटोरी थी। दरअसल आकाश आनंद अपनी पिछली कुछ चुनावी रैलियों में बेहद आक्रामक अंदाज में दिखे। इन रैलियों में आक्रामक भाषणों की वजह से उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किए गए थे। साथियों, ऐसे लोगों को अब बख्शना नहीं। बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने बर्दाश्त किया है, बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने अपने बीच में रहने दिया है, पर अब बहुजन समाज एकजुट होकर इनको समाज से खदेड़ने का काम करेगा। आप लोग इनको खदेड़ कर खत्म करने का काम करेंगे। 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में सीतापुर की रैली में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार की तुलना तालिबान से करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कहा था। इसके अलावा आकाश ने कहा था कि वो ऐसी सरकार को जूतों से जवाब दें। इस आक्रामक भाषण पर हुए मुकदमे के बाद ही आकाश आनंद ने 1 मई को औरई और हमीरपुर की अपनी रैलियां रद्द कर दी थी। पार्टी की ओर से कहा गया कि परिवार के एक सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से ये रैलियां रद्द की गई हैं। मायावती ने लिखा कि पूर्ण परिपक्वता होने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियां, नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी से अलग किया जा रहा है। तो ये सवाल है कि क्या वो आकाश आनंद को राजनीतिक तौर पर भी पूरी तरह परिपक्व नहीं मानती हैं? अगर वो पूर्ण परिपक्व नहीं है तो मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर गलती की थी, और क्या अब आकाश को हटाकर अपनी गलती सुधारी है? हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आकाश आनंद ने चुनाव बाद मायावती के NDA या इंडिया गठबंधन में जाने के भी संकेत दिए थे। क्या यही कारण है कि मायावती ने आकाश को सभी पदों से हटा दिया, क्योंकि मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं?